फोन कर लीजिए। हरियाणा के करनाल में मंगलवार को किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान जुटे। किसान 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस लाठीचार्ज में 10 से ज्यादा किसान घायल हुए थे और एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। करनाल जिला प्रशासन ने किसान नेताओं से बातचीत की, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकल सका। करनाल जिला प्रशासन ने 11 किसानों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। बैठक में राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जोगिंदर सिंह उग्राहा, बलबीर सिंह राजेवाल और डॉक्टर दर्शनपाल भी मौजूद थे। ये बैठक करीब ढाई घंटे तक चली, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। किसानों ने बताया कि उन्होंने करनाल प्रशासन के सामने अपनी सभी मांगे रखी। किसानों की मांग थी कि किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं होती तो कम से कम उन्हें सस्पेंड किया जाए, लेकिन प्रशासन इस पर राजी नहीं हुआ। प्रशासन के साथ हुई बैठक के कुछ देर बाद किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि किसानों के दबाव के चलते उन्हें कुछ देर बाद ही छोड़ दिया गया। किसान सचिवालय का घेराव करने और सरकार से 28 अगस्त की घटना पर कार्रवाई की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। विरोध कर रहे किसान मार्च करते हुए सचिवालय तक पहुंच गए और सारे बैरिकेड हटाने की कोशिश करने लगे। प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।